हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पे। हरियाणा ग्रुप डी के लिए आपके पास करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। हरियाणा जीके, इंडिया जीके और करंट अफेयर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी आने वाली है आपके पेपर में। HSSC लैब अटेंडेंट के पेपर में भी बहुत ईजी आई थी। इसमें मैं जो भी हिंदी के आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो HSSC के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। आप HSSC का कोई भी पेपर उठा सकते हो, इससे टफ हिंदी का कोई भी लेवल नहीं आएगा। तो अगर आपको रेगुलर फॉलो करना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको हरियाणा ग्रुप डी तक आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। तो हिंदी का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, पहले मैंने 3 लेक्चर इंग्लिश के साथ ही अपलोड करे हैं। ये सारे क्वेश्चन HSSC के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग पहले ये चेक कर लेना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। नहीं आते तो आप इनको याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखना। विश्व में, पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, और राष्ट्रीय में मतलब हमारे इंडिया में मनाया जाता है 14 सितंबर को। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो वो तिथि थी हमारी 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट है, निरोग में कौन सी संधि का नाम है? तो निरोग जो है उसमें कौन सी संधि का नाम है? उसमें लगती है विसर्ग संधि। संधि से, समास से, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको वही सारे क्वेश्चन कराऊंगी जो लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय जो लगता है वो अंत में लगता है, और उपसर्ग जो लगता है वो पहले लगता है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? वो लगा हुआ है अक। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान शब्द में वी, मतलब वी प्लस अज्ञान, उससे मिलकर क्या बनता है? विज्ञान। नेक्स्ट है, चौराहा में कौन सा समास है? तो ये समास कौन सा है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से होते हैं। अगला है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है मरने के लिए तैयार हो जाना। अगला है हमारा, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? सिंगार रस को। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि टोटल रस होते कितने हैं। अगला है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रेमचंद्र को। अगला है, अंधेरा का विलोम शब्द, तो आप सबको पता है अंधेरा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उजाला। अगला है, अनुचित का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा उचित। और लास्ट क्वेश्चन है, आंख का कांटा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का अर्थ है खटकना या फिर शत्रु। तो इसमें मैंने ये 15 क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके लास्ट में जितने भी HSSC के पेपर हुए हैं किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है। हरियाणा जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम तैयारी करवा रहे हैं, साइंस की वीडियो भी डेली अपलोड हो रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हर चैनल पर हरियाणा जीके तो अपलोड की जा रही है, करंट अफेयर भी अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन हिंदी 6 से 7 नंबर की पूछी जानी है, हो सकता है ज़्यादा नंबर की भी पूछी जाए। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि 3 या 4 मिनट की वीडियो सुनने से अगर आपको 15 क्वेश्चन याद हो जाते हैं और वही आपके पेपर में आते हैं तो इससे बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।